हमारे साथ कौन मौजूद है इसके ऊपर जरूर बात करेंगे लेकिन सबसे पहले जो बात करना जरूरी है लेडीज़ चेयरमैन इट विल बी ऑब्वियसली अबाउट पाकिस्तान सुपर लीग्स एडिशन एंड ऑनगोइंग गेम्स कल का मैच आ, सोचा तो यही था कि शायद इंटरेस्टिंग गेम होगा कराची किंग्स विल ट्राई टू फाइट बैक एज वॉल बट यूनाइटेड शोइंग दैट ग्रेट दर अली कल भी हमने इस परस्पेक्टिव के ऊपर बात की थी कि जिसको फिनिश करने का रोल दिया गया है वो सिंगल लेकर दूसरी साइड पर चले जाता है और फॉर हैदर अली टू फिनिश इट ऑफ एज वेल द वेट ही फिनिश लुक लाइक इज इफ गॉड फॉर मेड इफ समा यूनाट एज वेल एंड इट वॉज अंडन फॉर इस्बाइटेड जरा मैच के ऊपर फीलिंग करते हैं कराची किंग्स कौन सी गलतियों को तो तो दोहराते हुए नजर आते हैं और वहीं पर यूनाइटेड के कुछ बैटर्स ऐसे जरूर है किसी दिन ऐसा लगता है सवाल के साथ हमारे साथ मौजूद है पीटीवी स्पोर्ट्स इस्लाबाद स्टूडियोज में सबक कप्तान पाकिस्तान बैटर मिस्टर राशिद लतीफ असल राशिद भाई कैसे आप वाला कैसे सर आप ठीक ठाक है आज तो सर सेम सेम हो गया मैं मैं कॉपी कर रहा हूँ तो, तो अब कॉपी क्या कर दिखती थी आपको लगती है बॉडी बिल्डिंग वाली आपकी जैकेट लगती है ऐसी तो मैंने भी जी ली, जी मैंने जी भी ली, ली मैंने सर्दियां जा रही हैं तो, तो आखिरी ले लूँ मैं आखिरी आखिरी झलकियाँ आप भी दे रहे हैं सर अच्छे लग रहे हैं हमें तो खरीदनी होती है तो <laughs> चलो मैं ये भी बता ही देता हूँ जब पास से बात शुरू हुई थी अलहमद मतलब मेजोरिटी ऑफ माई वॉर्ड्रोम एट टाइम कम्स फ्राम राशि भाई थैंक यू सो मच राशि भाई आपसे बच्चों की तरह मोहब्बत करते हैं उल्फत करते हैं थैंक यू सो मच सबसे पहले सर कल के गेम के ऊपर एक ओपिनियन आपको लेना चाहता हूँ फिर डायसेक बहुत सारी चीज़ें हैं टाइम कम है हमारे पास होता है बातें बहुत होती हैं टेम्परेट बहुत है डिटेल बहुत है पिच के ऊपर है कि पीएसएल में बहुत बेहतर हो गया था कि हम एक रात में मैच इधर होता था एक लाहौर में होता था ऐसे ही था ना पहले बिल्कुल ऐसे ही है लगातार मैचेस हो रहे हैं जिसकी वजह से आप देखें शुरू के मैचेस में 200 200 बने उसके बाद जो मैचेस हुए उसके बाद पिच ने अपना काम दिखाया क्योंकि वो सूखी नहीं ड्राई नहीं हो पाई क्योंकि रात मैच होता है दो मैच लगातार हुए डे नाइट दो मैच हुए उसके बाद आपने शावर किया होगा उसके बाद ऐसा वेदर नहीं है कि हीट इतनी ज़्यादा और आप नेक्स्ट डे भी मैच है तो आप देखें उसमें प्रॉब्लम आई कि बॉल थीम भी हो रहा है ब्रेक भी हो रहा है और रन वैसे नहीं मर रहे जो पिंडी में पिंडी का जो था ना लास्ट ईयर जो था पार को 207 चला गया था जो हमने शुरू में बात स्ट्राइक रेट 162.2 था अभी 130 पे आ गया है बहुत बड़ा ये चेंज आया ये तो। <laughs> सर चेंज भी आया फिर साथ ही मैं एक और भी बात पूछना चाहता हूँ कि जहां पे भी हम जब इस तरह की लीग्स के हवाले से बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग इज अ ब्रांड एज वेल जिसको दुनिया रिकगनाइज करती है वहाँ तो पे लोग जरा टक्कर के मैचेस देखना चाहते हैं हाई स्कोरिंग मैचेस देखना चाहते हैं तो क्या आपको लगता है कि ये थॉट प्रोसेस रहा होगा बोर्ड में जब लोगों ने सोचा होगा बिल्कुल भी नहीं होगा आपके फिर हम देखते हैं कि यार क्रिकेट में बोर्ड में क्रिकेटर्स कौन है जो पी की मैनेजमेंट में वहाँ तो कोई भी नहीं कोई है कोई भी नहीं। तो किसने बनाया फिर इन्हीं लोगों ने बैठ के बनाया जो कि अपॉइंटमेंट फ़ोन कॉल्स पे जिनकी होती हैं तो वही लोग चला रहे हैं इसकी वजह से ग्रोथ नहीं हो पाई इस ब्रांड की ग्रोथ नहीं हो पाई और हर साल नीचे की तरफ जा रहा है माजरत के साथ तो वो बहुत नीचे चला जा चुका है वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हम शुरू में चलो दुबई में थे दो साल हमने खेला वापस आ गए उसके बाद छठा पांचों और छठे स्टेडियम पे हम जा ही नहीं सके इसके जो कॉन्सेप्ट था ना फ्रेंचाइज क्रिकेट का वो है ये होम एंड अवे होम एंड अवे अब कराची और कोयटा का होम कराची है दोनों इधर मैच कैसे खेल रहे हैं तो नाहेली है ना इसके नाहेली का सबूत दिया इन्होंने कि भाई ये दोनों आपका होम वो है लेकिन हम मैच आपको यहाँ खिलाएंगे आप कुछ नहीं कर सकते फिर वेदर चलो टाइम का हम देखते हैं कहाँ कहाँ मैच होने चाहिए मैचेस होने चाहिए जलमी ने बड़ा शोर मचाया प्रोटेस्ट किया अंडर प्रोटेस्ट किया टूर्नामेंट वो खेल रहे हैं क्योंकि पेशावर चाहिए जगह ट्रू मैं वसूद से नहीं बोल सकता लेकिन इतना यकीन था मुझे पेशावर जलमी पे कि उनको होम ग्राउंड मिलता है ना वो दस में से पाँच जीत जाते वो लोग उनको तो कभी मिले ही नहीं उनको लाहौर फेंक देते हैं उनको जाए मुल्तान में खेलें अब कराची खेलें यहाँ खेलें तो उनका जो जो क्राउड है बेस है उनका फैंस का वो इन किसी का नहीं है जितना क्या वो जा कराची, कराची में कराची में खेले हैं कराची में तो बहुत बड़ा है ह्यूज है और पिंडी में भी और वहाँ खेलेंगे बलूचिस्तान हम बातें वादे तो बहुत करते हैं लेकिन दिया क्या आपने क्रिकेट में कुछ भी नहीं दिया अभी भी जो बात हो रही है ना तीन स्टेडियम की हो रही है कराची लाहौर पिंडी बिल्कुल मुल्तान भी चले बाहर निकलो निकलना धर्मशाला में हो है दुनिया देख रही है धर्मशाला में एक तरफ पहाड़ियों पे बर्फ है और वहां पे टेस्ट मैच खेला जा रहा है तो ये विजन है ना ये तो ये ऐसा थोड़ी है प्रमोशन है अपनी कंट्री की

उनसे रन नहीं हुए जब रन नहीं होते तो फिर आप मिस्टेक करते हो कप्तानी में भी कप्तानी में भी मिस्टेक्स होती हैं आपकी प्लेइंग एलेवन में नवाज को खिलाया जा रहे हो खिलाया जा रहे हो क्या रीजन क्या है? है रीजन कोई पूछने वाला है मैं डगआउट में जाता हूँ तो वसीम अकरम मिसिंग है वहाँ पे सर वो जिन को, भी चल रहा भी रही है जिनको जिनको डकआउट में होना चाहिए था वो स्टूडियो में बैठे हुए जिनको कहीं नहीं होना चाहिए था वो डगआउट में बैठे तो ये बड़ा ये और सर जहाँ पे मेरिट के हाले से भी बहुत ज्यादा बात होती है तो मुझे लगता है कि जो लोग खुद मेरिट से नहीं आए हैं वो किसी की मेरिट पे क्या सिलेक्शन करते हैं मेरे तो ख्याल ये बात अच्छा ये बहुत बड़ा, बड़ा शहर है और लाहौर भी दोनों दोनों अगर आउट हो जाती हैं एक लाहौर तो तकरीबन आउट हो गई कराची आउट हो जाती है तो शायद अपनी गलतियां हैं ये फिर खिलाने का तरीका कप्तानी चेंज फिर बाबर को आपने शिफ्ट कर दिया फिर इमाद चला गया फिर आमिर चला गया फिर शर्जील नहीं है बहुत सारी चीज़ें लेकिन ये रीबिल्डिंग नहीं है सारी टीम इसी तरह से करती है कराची क्यों बोल रही है कि हम रीबिल्डिंग प्रोसेस में आ गए नहीं ये फ्रेंचाइजी से फेलियर हो गया तो कल का मैच बहुत अच्छा मैच था इन्होंने खुद ही अपने हाथ से गवा दिया गवा दिया अपना मैच तो बहुत सारे रीज़न है लेकिन कप्तानी बहुत एक सवाल ये निशान फिर कप्तान परफॉर्म ना करे तो ये, तो ये गलतियां ये आज की नहीं ये कराची दोबल की लेके ले जाना चाहता हूँ और ये भी आपसे पूछना चाहता हूँ की अब क्या ऐसी तब्दीली आ सकती है आपको लगता है यार ये जो टॉप फोर है ये ही टॉप फोर होंगी क्या आपको लगता है की अभी भी कई कराची किंग्स के पास इस्लामा नंबर वन नंबर वन नहीं हो सकती है बिल्कुल नहीं होती नौ सकती मैचेस है। खेल चुके हैं सर अब ये देखिए नौ मैचेस हो गए हैं कोयटा के पास तीन मैचेस हैं इस्लामाबाद अगर एक जीतती है वो तो निकल गई बिल्कुल क्योंकि कराची फिर कैच नहीं कर सकता इसको कराची अगर दो मैचेस जीतता है तो दस पे पहुंचता है इस्लामाबाद का हारना जरूरी होगा कराची को इन रहने के लिए बिल्कुल या इन या या ये दलमी और कोयटा में से आज एक टीम क्वालिफाई कर जाएगी ग्यारह पॉइंट्स हो जाएंगे दोनों पीछे दो मैचेस से नौ पे ही है बस ऐसे ही होता है ये तो जब जगह चेंज होती है आपकी जलमी या इनका इनका ही मैच है ना इनमें से एक जीत के चली जाएगी अब जलमी का मैच बहुत इम्पोर्ट उसका इस्लामाबाद यूनाइटेड का बड़ा इम्पोर्टेंट मैच है लेकिन कराची को अपने दोनों मैचेस जीतने हैं और जीत सकती टीम मैं बार बार कह रहा हूँ कि बहुत अच्छी टीम है लेकिन उसके मुताबिक नाम के अपने काम के मुताबिक वो काम नहीं कर पाए सा साइफट हो जाए जाएँ विंस और साइफट ऊपर जाए उनको बोलें कि भाई ये आप खेलो ये आपके थर्टी सिक्स बॉल है छ छः ओवर हैं आप खेलें अपना को फाउंडेशन या मोमेंटम नहीं बन पा रहा शान जाते हैं पता नहीं मुझे नहीं समझ में शान को ही चाहिए कि नीचे आ जाए ऊपर मौका दे दे किसी अच्छा को अच्छा प्लेयर है वो तो खेलता ही तेज है टेस्ट मैच में हम बोलते हैं रुके खेलो यहाँ बोल रहे तेज खेलो तो, तो लेकिन आठ मैच हो गए आठ मैचेस बहुत होते हैं तो अपने आप को चेंज करके देखिए नीचे ले आए अपने आप को

बिलीव uh, किया कल हमने बात किया उनको क्रिटिसाइज भी किया था राणा साहब को राणा साहब को हम करते नहीं वैसे लेकिन बहुत मैच हो गए थे राणा साहब अब लगा कि वो राणा साहब क्यों है वापस तो, आ रहे हैं फहीम मचर सॉरी और बहुत अच्छा खेले टी ट्वेंटी के अच्छे बॉलर है बॉलिंग अच्छी की विकेट ने दिया है उनको थोड़ा सा पुश दी है दी. जब पुश आपको मिली है तो उसने बॉल को थोड़ा सा किया सोलह रन सिर्फ दिए सोलह रन वो एक ओवर में दे रहा था पूरे इसके अंदर और पिछले मैच में उसने एक विकेट ली पहली

खुदा ना खास्ता कहीं भी हम ये शोर नहीं होते कि हैदर अली विल डू इट लेकिन खेलने का अंदाज उनका ऐसा ही है यहाँ से शुरू <laughs> करते हैं हैदर <laughs> अली यार आपने ने... भी बड़ी बात की सर हमने भी की सबने हमने बात की मिस हैंडलिंग वाला केस है ये रिसर्च वाला केस है ये टी ट्वेंटी का प्लेयर ही नहीं था ओके हम लोग मिस गाइड हो जाते हैं आपने पहले भी यही बात बताया अंडर नाइनटीन से जब ये आया ना खेल के ये तो मुझे याद है मोहम्मद वसीम कोच बने थे नॉर्दर्न के पहला साल था तो ये सिलेक्ट हुए और उन्होंने नाइन्टी नाइन रन शायद बनाए थे अपने पहले मैच में और फाइनल में सेंचुरी की थी वो सीज़न बड़ा अच्छा गया था मैं पर रिकॉर्ड भी इनका था जो फर्स्ट क्लास सीज़न खेला फिफ्टी से ऊपर एवरेज था फिर ड्राफ्ट आते हैं आप यंग प्लेयर ढूंढ रहे होते हो इमर्जिंग के प्लेयर प्लेइंग एलेवन के ढूंढ रहे होते हैं फिर जलमीन ने इनको लिया प्लेयर तो जिसका आप जो फोर डे का अच्छा प्लेयर है ना वो टी में भी अडाप्ट कर सकता कर है उसने उनको साइड मैच खिलाया जहाँ पे मोहम्मद अकरम थे हाशिम थे और साथ में सैमी थे कराची में साइड मैच था उन्होंने पचास कर दिए बड़े अच्छे यही ओपनर है आ जाओ वो आ गया उसने रन कर दिए फिर उसके बाद तीन नंबर गए वो चार नंबर गए पाँच नंबर गए अच्छा रहा सीजन वो पाकिस्तान टीम में आ गए अब वो थे ओपनर पाकिस्तान टीम में शुरू करते हैं ओपन थे और आठ नंबर तक बैटिंग कर ली उन्होंने तो खिलानने वाले का मसला होता है <laughs> खेलने वाले का चाहे वो जलमी के का या पाकिस्तान का उसमें सिनारियों में देखिएगा मेरी मोहम्मद वसीम से बहस भी हुई थी आप कभी भी पूछ लीजिएगा कि जब इमरान बट खेले थे ना जी टेस्ट क्रिकेट उस वक्त इनको टेस्ट क्रिकेट खेलनी चाहिए थी बल्कि अजहर अली जब कप्तान बने थे इंग्लैंड गए थे 19 में शायद थे 19 के बाद 20 में उस वक्त इनको टेस्ट क्रिकेट में आ जाना चाहिए उसके बाद आबिद अली आए उसके बाद शान मसूद का कम हुआ शान मसूद ड्रॉप हुए अब्दुल्ला शफीक का दस प्लेयर आपने कर दिए लेकिन जो मोस्ट डिजर्विंग प्लेयर जो टेस्ट कहा था वो हैदर अली था exactly. अब हर कोई मजबूत नहीं होता मोहम्मद यूसुफ या यूनुस ख़ान की तरह या मिसबा उलग का या मोहम्मद रफ़ीज़ की तरह मजबूत नहीं होता जब आपको टी में सक्सेस नहीं मिली आप आउट होते गए आप हिटे मार के आउट होते गए आपको डिफेंस का मौका ही नहीं मिला तो आप कैसे वो तो फिर है? आपको हर जगह से हटा दिया गया exactly. कराची ने ट्रेड की बाबर आजम के साथ और शुब मलिक को लिया उन्होंने वहाँ सक्सेस नहीं मिली आपको किसी ने पिक नहीं किया था अभी सप्लीमेंट्री में दोबारा से इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लिया है लेकिन अभी भी मैं बोलता हूँ कि रॉन्ग फॉर्मेट इनके लिए इनको बनाना पड़ेगा फर्... जो लास्ट फर्स्ट क्लास खेला उसमें भी सिक्सटी वन की इनकी एवरेज थी तो फर्स्ट क्लास इनको पूरा मौका दें होता क्या है कि टीम के टूर में साथ होते थे फर्स्ट क्लास मिस करते रहे

तो ये नजर आ रहा है कि ये जो ओवर है ना छः सात आठ नौ यहाँ पे कराची किंग बिल्कुल रह गया इस मैच में बॉल का थर्टी नाइन हाई स्कोर है बिल्कुल बस। उसके अलावा किसी ने भी पचास नहीं किया और ये सर और तो वो, ये इक्वल है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बड़ा सही तरीके से चेज किया उनको मालूम था कि पिछच सेवन पॉइंट हमका सर रिक्वायर्ड था वो आठ पे रहे

और उसके बाद आप फहीम अशरफ का एक और ओवर देखें सिक्स फिर इमाद वसीम का आठवां ओवर देखें टाइम मिलकर नौवां ओवर देखे, देखे। गिर रही है ना यहाँ पे आपको पांचवें में एक गिरी छठे में नहीं गिरी ठीक है ना सातवें आठवें नौवें में गिरी ये टर्निंग पॉइंट था सातवा नौ देख पता था कि मुझे कहां जाना है हाँ. इनको नहीं पता था इनको ये एक स्कोर होता है ना कि यार हर टीम में बार बार कहता हूं पिच को रीड नहीं करते 200 करने जाते हैं वो 150 होते हैं 150 इजी हो जाता है आप अगर क्लच करते भी है ना तो मर मना तो, के आप चले जाते हो उन्होंने कल थोड़ा सा मुश्किल हुई 24 पे 24 चाहिए उनको पता था एक विकेट कि हमें मुश्किल आ जाएगी उन्होंने फिर के दिए के दिए प्रॉपर क्रिकेट तो कह सकते हैं लेकिन उन्होंने कहा प्रेशर हिट मारी प्रेशर को रिलीज करने के लिए प्रेशर हिट मारी जिसकी वजह से मैच से निकल आए वो और वो मैच से बा... ये प्रेशर हिट मार चुके हैं आप याद करें आरिफ याकूब को मारी थी प्रेशर हिट मारी चार आउट हुए थे उनके मैच से बाहर हो गए थे सेम मैच हो सकता था सेम मैच बिल्कुल हो सकता था एंड दैट इज वाई मैंने कहा कि वो फिर जो आ, जब हम बात करते हैं कि कश्ती जो है वो नदी से पार हो गई आई थिंक उसमें हैदर अली कॉन्ट्रीब्यूशन yes, थी है। जिस तरह से उन्होंने खेला वरना अदरवाइज इट कुड हैव बीन अ डिफिकल्ट गेम फॉर सांबा यूनाइटेड इट वाज वाज अ अ विन और लॉस इट डू एंड डाई हमारे लिए खबीन आजाद अभी जरा डू एंड डाय सिचुएशन है वी नीड टू गो आउट फॉर अ शॉर्ट ब्रेक जब जैसे ही वापस आएंगे मजदी गफ्तु को आगे बढ़ाते हैं इस्लाबाद की पार्टनरशिश्स के हवाले से भी बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग में नौवें एडिशन में जितने भी गेम्स अभी तक हुए हैं लम्हर लम्बा हम कोशिश करते रहें कि आप तक एक फेयर एनालिसिस विदाउट बींग एनी टीम इज वेल हालांकि अपनी प्रेफरेंसिस सबकी होती हैं हमने उसके ऊपर जिक्र किया है हमने वेन्यूज़ के हवाले से भी बात की है हमने जो क्राउड जो जाता है स्टेडियम्स के अंदर उसके हवाले से भी बात की है क्या उनकी एक्सेस बेहतर होनी चाहिए क्या और फैसिलिटेशन होनी चाहिए रेटिंग्स के ऊपर बात की और हम आगे चल के मजीद भी करते रहेंगे अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं अभी कराची किंग्स और इस्लाबाद यूनाइटेड के बीच में हमने ज़रा उसको इनिंग फेज वाइज को हमने जरूर डिस्कस किए इन डेप्थ हैदर अली के हवाले से बड़ी इन डेप्थ बात हुई फ़ही अशरफ के हवाले से हुई अब जरा सर एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में बात करना चाहता हूँ जो बहुत धुआंधार खिलाड़ी हैं सर वो अकेले ही ऐसा लगता है कि अकेले ही टीमें चले गए थे तो ऐसा लग रहा था कि खुदा खास्ता कराची किंग्स विसाखी पे आ गई है आपको एक ऐसे <laughs> <laughs> खिलाड़ी है जहाँ खड़े होते हैं और बहुत अच्छी फॉर्म में ऐसा नहीं है मैं किसी गेम में भी ऐसा नहीं देखा की के कैरन पुलाट अपना हिस्सा जमा करा के ना गए हो देखिए कराची किंग के पास बहुत अच्छे प्लेयर्स मौजूद है प्लेटनियम में हमने नवाज की बात की आपको गोल्ड में शान मसूद हैं लेकिन कैप्टन है फिर विन्स हैं इनके पास और साथ में बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं थर्टी नाइन लेकिन ये प्लेयर ये ही लग रहे हैं कि प्लेटिनियम के प्लेयर हैं इनके पास वो पोलार्ड हैं जो रिटायर हो चुके हैं हमने पहले भी तस्करा किया था कि ये नहीं चल पाएंगे लेकिन सिर्फ चले ही है अब तक जिम्मेदारी होती है इनके पास ये स्लो खेले हैं वन थर्टी नाइन का जो स्ट्राइक रेट आपको देख लें तीन चौके तीन छक्के का मतलब है तीस रन इनके छः बॉल पे बन चुके हैं स्ट्रगल की है इन्होंने फिर आखिर में जब थोड़ा सा या आखिर तक खेल जाते थे शायद रन ज़्यादा बन सकते थे लेकिन कराची ने यहाँ टैग लगा दिया कि हम 165 से ज़्यादा रन नहीं कर सकते हाँ वो टीम ऑल आट नो डाउट इस सीजन में अगर देखते हैं कराची के दो मैच जो जीते हैं अच्छे मैच जीते हैं तो उसमें इनका हाथ हादसा बहुत एग्जैक्टली exactly. मैं आगे चल के सर किसी शो में आपसे कराची के इसके जरा ड्रेसिंग रूम के इन्वामेंट के हवाले से भी जरूर बात करना चाहूँगी क्योंकि लगता नहीं है मुझे ऐसा कि शायद वो बहुत ही कंक्सिव है नहीं, अभी कर लें ड्रेसिंग रूम तो अच्छा है ऐसा नहीं है कि लेकिन मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि आपके पास अगर फैसिलिटीज़ हैं एक बंदे की वसीम अकरम की वसीम भाई की तो क्या वजूहत हुई कि वो टी वी पर बैठे हुए हैं आपके अपने एम्प्लॉ है ना एक तरह तो से ए आर वाई के हों या कराची किंग्स के हों इतनी बड़ा नाम क्यों बैठा हुआ क्यों बैठा हुआ ड्रेसिंग रूम में देख भले यह नहीं है कि वो होंगे तो सब जीत जाएंगे नहीं एक तगड़ा बंदा अंदर होता है ना तो आप कि कोई प्लेयर नहीं कर सकता कि यार मैं इस नंबर पे नहीं जाऊंगा या मैं इसको खिलाऊंगा अपनी मर्जी नहीं चलाएंगे मन मर्जी ये, ये चीजें नजर आई हैं कप्तानी वीक लगी मुझे हालांकि बड़ बड़े अच्छे कप्तान हैं लेकिन कराची किंग में बहुत वीक कप्तान लग रहे हैं वो डिसाइड नहीं, है। नहीं हुआ है वो बिठा नहीं पाए नवाज को मुझे जो लगा बाहर से बैठ के क्या रीजन है कि आप एक प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा आप एक मैच के लिए करके फिर अराफात मिन को ले आते या किसी को भी आप चार लेके अगर नजर नहीं आया तो ये नज़र आया तो शायद कराची किंग्स ने वसीम अकरम को मिस किया है कराची किंग्स ने बाकी वसीम अकरम को मिस किया कराची किंग्स के फैंस ने सर वसीम अकरम को डग आउट में मिस किया और वसीम भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट आई थिंक हमने भी आपको डग आउट में मिस किया। एक प्लेयर की जगह होती है अब यहाँ स्टूडियो में हमारी हमें पता है कि हम हम नहीं जा सकते डग आउट में या शायद हमारी वो पहुँच नहीं है या वो सोच सोच नहीं है इनकी है ये ये के के आर के हों या दुनिया भर में लीग में जाते रहें ठीक है आईसीसी में कमेंट्री वो अलग चीज़ है लेकिन टीवी इनका फोटेज नहीं है मैं जहाँ तक समझता हूँ बिल्कुल ये फील्ड है इनका जिनकी दुनिया फील्ड में जानती है एग्जैक्टली exactly. और हम इनको फील्ड में ही देखना चाहते थे इसी के साथ जरा कराची की जो मीगर पार्टनरशिप्स हैं उनके ऊपर जरूर नजर डाल लेते हैं जरा वक्ता फवक्ता कोई भी फिफ्टी के अलावा बड़ी पार्टनरशिप नहीं है पहली पार्टनरशिप पार्टनरशिप देखें दो पचास की हो तो आपको एक सत्तर बनता है यहाँ पे देखें एक पचास की हुई है फिफ्टी एट की हुई है वो जी दोनों दोनों बाहर के प्लेयर थे जेम विंस एंड कैरन पोलार्ड ये आउट हुए आप टैमिल मिल्स ने आउट किया विंस को कॉट बहन किया था कैरन पोलार्ड आखिर में जोर से हिट मारी वो पीछे आउट हो गए सर इन्होंने डिलीवरीज बहुत कंज्यूम की है की है देखिए हाँ, विकेट जो गिरी हमने बताया पांचवें सातवें आठवें नौवें ओवर विकेट गिरी उसके बाद आपको चार ओवर तो जाना है चार ओवर का मतलब एक ट्वेंटी फोर बॉल उसमें तो अठारह तो इन्होंने खेली होंगी वो आप लेके चाहते हैं लेकिन इनको पता था यूर सात सौ मैच अगर खेले हुए इनको पता था 170 सौ सत्तर की पिछच ही है ये वहां पे जाना चाह रहे थे ये आउट हो गए वरना शायद लेके चले जाते बिल्कुल चले जाते, हैं। जाते हैं। अब यूनाइटेड की की बॉलिंग की जाने भी बढ़ना हो सर जैसे हमारे प्रोड्यूसर राणा साहब हैं वैसे ही हमारे एक और राणा साहब भी अलहमदुल्ल जो अभी हमें फॉर्म में नजर आया रा राणा साहब राणा रा साहब ने हिलने नहीं दिया बिल्कुल अच्छी बॉल पर लेफ्ट को बैठ सर क्या डिफरेंट था उससे पहले भी हमने कल भी बात की कलच का ठीक है पिच जहाँ पे इनको बॉलर मिलेगी जहाँ पे आपको बगैर देखे मार लग रही थी अब आप देख के भी बल्ले पे बॉल नहीं आ रही तो पिच का बड़ा फर्क हो गया और इनका इनका लेफ्ट हैंडर को भी अच्छा जाता है बॉल और राइट हैंडर को भी ये नया बॉल तो बहुत ही अच्छा करते हैं यानी इन... इन्होंने कुछ डिफरेंट नहीं किया इट वाज द पिच पिच बहुत बड़ा आपको लगता है कि कंडीशन के प्लेयर हैं सही अशरफ नहीं कंडीशन के नहीं है जब आप दो भी बन रहे हैं ना अगर चालीस पैंतीस पे दो विकेट ले रहे हैं साठ मत दो ठीक है ठीक है साठ बन दो जितने बन रहे करो ठीक है और फिर आप पांच मैच में बिल्कुल खाली हो गए आपने कोई विकेट नहीं ली तो फिर बोलते है यार थोड़ा रश करा दे एक आधी मैच इनको जरा फैसला नहीं, नहीं बिलीव है उनके ऊपर और फिर उसके बाद क्या होता है कि आपको रिटेन भी होना है अगले साल के लिए आपको दोबारा इस टीम में आना है तो ये चांस है आपके पिछला मैच हुआ जी उसमें थोड़ा सा झलक दिखाई उन्होंने आपका प्रोग्राम देखा है या ये तो क्रिटिसाइज कर रहे हैं हम तो अच्छा खेले थे तो उन्होंने कहा जिताऊंगा आज तो ये ये बिलीव है उनका और अच्छा लगता है ना फिर आज हम तारीफ भी कर रहे हैं बिल्कुल ऐसा अब डे टू डे अफेयर पे काम होता ना है ना यहाँ पे करंट अफेयर कल आपने हमें अच्छा नहीं लगा कि आप जो रईस बादशाह को आउट करा के आप निकल गए और आपकी तालियां बज गई वाह 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 नहीं ऐसा नहीं है आप आउट हो जाते भले लेकिन आप रईस को आगे मत लेके रोमान को आगे नहीं लेके आते लेकिन कल आपकी बॉलिंग आपकी बैटिंग आपकी फील्डिंग सारी की सारे मैं सौ मजे सौ नंबर देते हैं आप सर कल की वजह से <coughs> वेरी सॉरी जो कल डिबेट हुआ था क्या फिनिश करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी फहीम की थी या हैदर की Run थी या दोनों की थी, थी, थी। रन कम थे ठीक <coughs> है यही रन तीस ज्यादा होते ना बस थोड़ा सा मुश्किल हो जाता कर लेते ये नहीं बोलूंगा नहीं जी कैपेबल है ये करने के लेकिन थोड़ा तो हाथ पंख फूल जाते हैं एग्जैक्टली अब दूसरी जाने बात है सर आज जाके करेक्ट में कोशिश करूंगा मिल्स के से भी बात कर पार्टनरशिप भी उन्होंने ब्रेक की थोड़ा गुस्से में भी नजर आए फोर ओवर्स थर्टी फोर रन थ्री विकेट्स एट पॉइंट फाइव जीरो मेन जो तीन के जेम विंस को जो आउट किया ना वो डेंजरस प्लेयर पता नहीं इतने ज़्यादा रन नहीं किए तीन कि चौकों के बाद वो भी आ, तीन चौकों के बाद तो वो विकेट अच्छी है उन्होंने और टिच में था उन्हें ये विकेट ज़्यादा नहीं लेते ये डेथ ओवर में इनको लेके आते हैं थ्रो वन बाउंसर बैक ऑफ हैंड जो ये बॉलिंग करते हैं ज़्यादा अच्छे बॉलिंग करते हैं लेकिन कल विकेट लिए इन्होंने और अच्छी बॉलिंग की एग्जैक्टली exactly. और जिनको हम सर सेफ हैंड्स के नाम से भी जानते हैं बैटिंग भी बहुत अच्छी करते हैं आ, कल एक उनका कैच भी ड्रॉप हो गया हुनैन उस बारे में बड़े खुश नहीं थे वेरी कर दिया उन्होंने कहा कि यार ये ये हो क्या रहा है मेरे साथ और उस टाइम बाकी उनके साथ कुछ ऐसे ही हो रहा था मिसफील भी हो रहे थे कैच भी ड्रॉप हो गया शादाब खान उस तरह से बैट के साथ कंसिस्टेंट नहीं रहे एक हमने ए टीम भी उनको बनाते हुए देखा ऑफ ऑर्डर आते हुए भी देखा कल लेकिन आपको क्या लगता है इनका अच्छा किरदार रहा कोई राइट यहाँ पे जो मैचेज है ना इस्लाम इस पिंडिंग यहाँ शादा हमेशा अच्छा खेले रहे हैं पता नहीं क्या रीज़न है वहाँ पे भी अच्छा खेलते हैं ले। लेकिन यहाँ पे ना जीत भी रहे और अपनी बैटिंग बॉलिंग दोनों आप देखें वो उसमें अच्छी परफॉर्मेंस रहती है और होम ग्राउंड भी है इनका जो अच्छे चौंतीस रन किए थे इन्होंने और एक सौ तीस का स्ट्राइक रेट ठीक है पिच के लिहाज से टोटल के लिहाज से अच्छा था और पार्टनरशिप अगर देखते हैं शुरू में अट्ठाइस रन की पार्टनरशिप रही उसके बाद ग्यारह फिर 58 एट की देखिए दोनों तरफ से एक पचास पार्टनरशिपी है।, है।, है और मैच यह थर्टी सिक्स थी क्रिशियल जैसे आप कराची में देख रहे हो तो बत्तीस की थी जिसको अभी हमने मिल्स के हवाले से भी बात की पार्टनरशिप ब्रेक की बॉल्स लेकिन सर यहाँ पिंडी में ज्यादा कंज्यूम हो रही एक है डॉट बॉल पचास का मैच है ना एक सौ पचास का मैच है ना ज्यादा आपको मुश्किल हो रही है बॉल बल्ले पे नहीं आ रही थी कल आपने देखा ना कल अच्छी गेंद लहरा रही थी और वो लहराते हुए लह हाँ। हाँ। ही, ही तो तो ने ने दस रन दिए ज्यादा हसन अली ने इकतीस पे कोई विकेट नहीं और इकहत्तर इनकी इकतालीस बहत्तर रन दोनों ने आठ ओवर में इस पिच पे शायद कुछ ज्यादा थे लेकिन हाँ दो विकेट वो भी लेते पांच तो तो आ ये मैच जीत जाते ठीक है शायद ज्यादा तो मुझे तो थी हसन अली ऐसे मैच में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं वो कल ऑफ कलर रहे वो कल बिल्कुल ऑफ कलर रहे और इसी तरह कराची किंग्स को भी ऑफ कलर करके चले गए कराची well, I don't know whether they still stand a chance or not, बट ऐसा लगता है जैसे वो बचपन में स्विच होते थे ऑन ऑफ के आई थिंक कराची रियली नीड्स टू टर्न ऑन एंड कम बैक एंड मेक श्योर दैट दे प्ले गुड क्रिकेट अनफॉर्चुनेटली फॉर कराची आई डोंट थिंक दैट दे हैव प्लेड गुड क्रिकेट स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप टिल द बॉटम We don't see such performances other than Hasan Ali probably, Shaib Malik one of 50, probably Karen Pallard. But uh, it's a question for Karachi Kings to think whether why Wasim Akram is not in the dugout. We're heading out towards a short break. Don't go anywhere. We'll be right back. When we come back, sir, you know you're not getting any passes in Pindi today. Yeah, blackout. What do you call blackout? Aapko aapko sold out. How sold out? Sold out. And you can call anyone from anywhere. Big people are calling, sir. मुझे इतने सारे लोगों ने फोन किया उन्होंने मुझे कहा पास चाहिए आज का नहीं क्यों चाहिए कह रहे आज बाबर आजम खेल रहा है आज का चाहिए इसके साथ था ब्रेक की जाने वापस आते हैं मजीद बात करें बाबर आजम ने अपना स्ट्राइक रेट बेहतर कर लिया है परसों वाले प्रोग्राम ने हमने बात की हफीज भाई कहते हैं टी ट्वेंटी का इससे अच्छा खिलाड़ी कोई नहीं है दुनिया पीछे पड़ी है हर तकरीबन अगले मैच में वो एक निफ्ट सेंचुरी मुकम्मल करके जा रहे हैं सेंचरी कर चुके हैं आई थिंक मोस्ट नंबर ऑफ रन की बात करें मेरा ख्याल टी ट्वेंटी में तो वो भी वो उसमें भी बर्तरी ले चुके हैं और आफ्टर शॉर्ट ब्रेक लेडीज राइट वेलकम बैक अब बात करते हैं आज के मैच के हवाले से सबसे पहले जरा लिए चलते हैं आपको कि आज कौन सी दो टीम्स हैं जो पाकिस्तान सुपर लीग के एडिशन में आमने सामने होंगी एंड गोइंग तो टू बी क्वेटा क्वेटा पिछले दो मैचेस से स्ट्रगल कर रहा है कि वो क्वालिफाई कर जाए कर नहीं पा रहे आज भी उनका ये बड़ा तगड़ा मैच है अगेंस्ट टीम जो कि वुड ऑलवेज नो हाउ टू काइंड ऑफ बाउंस बैक सर पिशावर जलमी कोयटा ग्लैडिएटर मुश्किल मैच जो जीतेगा <laughs> सिकंदर नहीं क्वालिफाई कर जाएगा ना जी तो, तो, किसी का बताएंगे बताना नहीं चाहिए हमें हम कल हार गए कराची तो हार गया आ, थि, थि,

आ, बाबा आजम जो हैं वो आज उनका चैलेंज है थोड़े वो पहले तो फ्लैट पिचेस पे खेल रहे थे अभी थोड़ी बॉल मूव हो रही है या थोड़ी ब्रेक होगी तो आज देखते हैं किस है स्ट्राइक रेट से पावर प्ले खेलते हैं किस है स्ट्राइक रेट से मिडिल ओवर और वो एंड में अगर खेल पाए तो, <coughs> तो। सर चूंकि अब आपने ये बात छेड़ी तो मैं आपको इस बात में ज़रा और इन डेप्थ हम ज़रा कॉन्वर्सेशन करना चाहेंगे जैसा कि हम पहले भी दिखा चुके हैं मेरे ख्याल है पिछले कुछ चंद मैचेस में जिसमें हमने ये भी बोला कि पी पी एस एल के सातवें एडिशन में उनका स्ट्राइक रेट क्या रहा सब अराउंड हंड्रेड थर्टी फाइव फिर उसके बाद हमने आठवें एडिशन की बात की क्लोज टू जिस पर वो खेलते अब खेलते हैं अब एक सौ साठ एक सौ पचास के स्ट्राइक रेट पे बाबर आजम खेल रहे हैं गेम को उन्होंने चेंज किया कहीं कि स्कोरिंग शॉट्स उन्होंने बढ़ाए हैं कहीं पे येस। तो का बल्ला खोल दिया बल्ला बल्ला खोल बल्ला होता है ना कि आप हम कहते हैं बल्ला बंद है एक इंच बंद है तो आप ज़्यादातर मिड विकेट पे जा रहे हैं या यहाँ पे खेल रहे हैं थोड़ा खोलते हैं तो सामने ज़्यादा खेल रहे होते हैं तो सेवन का अगर हम मवाना करते हैं नाइन से करते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि सामने शॉट्स पहले क्या थी अब क्या चेंज आई है उन्होंने स्ट्राइक रेट में कितना बड़ा चेंज लेके आए हैं वो हम देखें तो लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि बाबर क्यों अब ज़्यादा रंग बनाने लगे सर, हैं सर ये भी हम ज़रूर बात करना चाहते हैं साथ में जहाँ पर हम उनका स्पिन और पेस के अगेंस्ट भी बात करते हैं मैं जरूर उसके ऊपर भी तस्करा करना चाहता हूँ आपके लिए कॉम्प्रीहेंसिव

और यहाँ पे आउट किया उसामा मीर, उसामा मीर। फिर उसाम दो दफ़ा आउट कर चुके हैं बाबर ने एक दफ़ा आउट किया है इनको और अब्रार, आ, अब्रार ने सॉरी शॉट पे तो ये आपको नज़र आ रहा है कहाँ पे ज़्यादा आउट होते हैं बिहाइव देखते हैं तो मिडिल स्टम्प और ऑफ स्टम्प पे अगर बॉल होती है ना यहाँ पे चौके छक्के भी ज़्यादा हैं यहाँ देखें लॉन्ग ऑन पर टू का स्ट्राइक रेट है बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट है यहाँ पर वन का इस पर हम आपको आगे चल के बताएंगे क्या फ़र्क है ये 171 ये 71 जो कम हुआ है ये 22 का है टू है और इसी तरह से पूरा हम देख लेते हैं ये स्पिन पे अगर हम देखते हैं स्पिन पे ये है इनका और लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर राइट आर्म फास्ट बॉलर का देखते हैं और लेफ्ट आर्म स्पिनर का तो सारा आपको वैगन व्हील में वन क्लिक पे आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चारों तरफ ग्राउंड के इन्होंने बैटिंग की हुई है और आगे हम देखते हैं इनका के कैचेस कहाँ पे होते हैं ये ज़्यादातर जो आउट हुए मिड डीप में ये देखिए टॉप ऑफ द स्टम्प पे विकटें मिली हैं चाहे स्पिनर हों या फास्ट बॉलर हैं है। ये इन्होंने चौके लगाए हुए हैं अब द स्टम्प दो चौके हैं और नीचे फिर ये आउट वाले देखते हैं ये एरिया इनका आउट होने का नज़र आ रहा है आपको वन सिक्सटी फाइव का मिडिल में स्ट्राइक रेट है इनका जो कि बहुत हाई साइड के ऊपर है तो बाबर आजम का इस साल ये कैचज हैं ये कॉटन बॉल हुए यहाँ पे और दो मिड विकेट पे कैच आउट हुए और इस साल दो दफ़ा मिड विकेट पे आउट हुए मोस्टली सामने रन ज़्यादा अच्छे बनाए हुए ये देखिए ये एक आप देखेंगे बाबर आज़म यहाँ पे पुल शॉट करते हुए शाहीन से आउट हुए यहाँ पे बाबर आज़म आउट हुए अबरार से आउट हुए मोहम्मद वसीम जूनियर ने कैच किया था तो ये आपके सामने है बाबर आजम का अब जो बात सर मैंने इसमें ऑब्जर्व की है वो ये है कि जब हम सामने लॉन्ग ऑफ की जाने देखते हैं एक सौ पंद्रह का स्ट्राइक रेट नज़र आता है लॉन्ग ऑन की जाने देखते, ले 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 देखते, देखते दो सौ इक्कीस तो गया है दो सौ इक्कीस इनके सामने हो गया लॉन्ग ऑन पे लॉन्ग ऑफ पे एक सौ कुछ का हो गया ये पहले कम था एक सौ छः का था।, था दो हज़ार सात में अगर हम देखते हैं अगर हम यहाँ पे देखें एक सौ सात का यहाँ पे एक सौ छः का आ रहा है ये चले मिड विकेट पे यहाँ पे इन्होंने अपने शॉर्ट कम किए हैं दो हज़ार सात में इनका एक सौ एक सौ पैंसठ का स्ट्राइक रेट था इस साल एक सौ अड़तालीस का माइनस एटीन हो गया ठीक है कंट्रोल की आउट हो रहे हैं यहाँ पे हाँ, तो रीजन तो में कंट्रोल किया है इन्होंने यहाँ पे हम आगे देखते हैं किसी और उसमें जाते हैं नाइन ऊपर लिखा हुआ है इधर लिखा हुआ बाबर आजम बैगम वील आप चारों तरफ शॉर्ट्स आ रही है लिखी हुई ये देखें पॉइंट की तरफ वो गलीब में इनका क्या था 133 लास्ट टाइम का जो कि लोगो को बहुत पसंद था इस दफा इन्होंने अपना सेवनटी वन का माइनस सिक्सटी टू हो गया सेवन के लाइट अब हम सामने आते हैं मेन चीज़ है क्रिकेट में सामने सामने आप जो खेलते हैं सामने फील्डर दो ही होते हैं बीच में मारोगे चौका या छक्का है ये ऑल ओवर है सारा उसको अगर हम और आगे चलें जो मेन जो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट है हम करना वो हम देख ये देखें एक सौ छः अब पहले आप पी एस एल सेवन में वैगन वील देखिएगा एक सौ छ का स्ट्राइक रेट लॉन्ग ऑन पे लॉन्ग ऑफ पे फिफ्टी एट का है ये चेंज हो जाता है टू थाउजेंड नाइन में 221 स्ट्राइक रेट एंड 115, 115 प्लस है स्ट्राइक रेट ज्यादा हुआ है लॉन्ग ऑन पे और 50 प्लस 57 सेवन ज्यादा हुआ है तो इसका मतलब है कि इन्होंने यहाँ पे काम किया है यहाँ पे दो दफ़ा तीन दफ़ा आउट होते जो जाते थे ना जो ये गली और पॉइंट पे खेलते थे उस बॉल उस शॉट को जो के बाहर थी ना कंट्रोल उसको वहाँ आउट नहीं हो रहे आप दो साल पहले या एक साल पहले कि इनके डिसमिसल देखेंगे ना बाहर से बाहर बॉल उसपे उस पर आउट होते थे ऐसे ही है। अभी ये आखिर मैं देख पचास के बाद ही आउट हो रहे हैं ना तो बड़ी हिट मारते हुए ज़्यादा आउट में ये जाते ही कॉट बिहाइंड या उसमें आउट नहीं हुए कौट ये मारते हुए बोल्ड हुए हैं तो ये बहुत बड़ा चेंज हमें तो आ रहा है बाबर इम्प्रूव कर रहा है कहाँ इंप्रूव कर रहा है तो हमने बताने की कोशिश की हम तो दिखा तो सकते नहीं लेकिन हम सिखा सकते हैं बिल्कुल सर और हम मुतवार ये कोशिश करते रहेंगे सर निगू रहेंगे इस कोशिश में कि हम बेशक ना दिखा रहे हैं सिखाते रहेंगे लेकिन सर अब एक और बात भी आप अक्सर जैसे टॉप हैंड की भी बात करते हैं आपने पोजीशन के हवाले से भी गुफ्तू करते हैं आपको इस दफ़ा पाकिस्तान सुपर लीग नाव में जब हम इनके स्ट्राइक रेट्स की बात करते हैं एवरेज की बात करते हैं हाईएस्ट है इस दफा मेरा ख्याल कोई भी इनके करीब नहीं है क्या चेंज नजर आती है इनके बैटिंग, बैटिंग में हमने साइड की तो बात कर ली पहले अब ना इंजॉय करने लगे बैटिंग को पहले लगता था कि इनको करना ही करना है एक जिम्मेदारी होती है ना जैसे हमें शो करना ही करना है एक रिलैक्स होकर शो करना है ठीक है डोमिनेट करके करना होता है वो हमारी वाली आदत उनके पास चली गई है वो इंजॉय कर रहे हैं क्राउड कर रहा है ठीक है ना पहले पब्लिक बोलती थी कि बाबर में रन करे अब बाबर बोल रहा है कि तुम लोग श्योर इंजॉय कर। करो शोर करो तो ये एडिक्शन हो गई उनको हैबिट हो गई है रन करना राम उनकी है। है हैबिचल अगर हो गया एंजॉय तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आप देखें उनको जिस तरह से वो खुश नज़र आते हैं खुश नजर आते हैं प्ले जो पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट आज आउट क्यों हो गया इसीलिए बाबर आजम बाबर आज ये बहुत रेयर होता है हम बड़े बड़े प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के गुजरे हैं सब अपनी अपनी जगह लेकिन बाबर आजम ने पूरा शो को चोरी कर लिया है बिल्कुल शो अपने नाम कर लिया मेरा ख्याल है बाबर आजम को लेकिन सर जो गेम ऑन तो है शो जिनके जिनके नाम को मे एक <laughs> थैंक यू सो मच सर आप बड़ी खूबसूरती से समझाते हैं और जितने भी लोग जो क्रिकेट के शायक है जहां जहां भी दुनिया में पाए जाते हैं मेरा ख्याल है वो आप सबकी मेहनत होती है हम तो बना के यहाँ भेज देते हैं यहाँ पे हमारे स्टाफ है पूरा फिर लैब में जाके बनाना इजी नहीं होता पूरा दिन लग जाता है एक छोटे से लिए एग्जैक्टली <laughs> exactly, बिल्कुल लग जाता है की लोग इन्वॉल्वमेंट होती है इसमें बिल्कुल होती है सर इसी के साथ जरा एक और कॉन्वर्सेशन भी मैं आपके साथ छेड़ना चाहता हूँ वो कॉन्वर्सेशन अबाउट वेन्यूज हमने उसके ऊपर पहले भी जरा तस्करा किया था हमने जिस तरह से मुल्तान में में लाहौर टीम्स को परफॉर्म करते हैं हैं देखा ऑल ऑफ़ जब हम की जाने बढ़ते हैं, तो चीजें बड़ी मुख्तलिफ नजर आती क्योंकि मतलब किया गया है हमने मैचेस रख दिए बहुत ज्यादा जैसे रमजान का टूर्नामेंट नहीं होता ऐसे कराने वाला वो 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 आदत लगी इसके अंदर शायद गलती की उन्होंने और सबसे प्योर मैं क्रिकेटिंग वाइज जो मैं रो वो राहुल पिंडी हमने देखे यहाँ दो पे दो चीज़ बिल्कुल वो लोग देखना चाहते हैं वो हमें मिला नहीं है अब बॉल ढूंढ रहा है वन ऑफ पब्लिक बॉल ढूंढती थी, थी लास्ट ईयर अभी बैट्समैन ढूंढ रहा है तो ये एक बहुत बड़ा नज़र आया हमें हम कोशिश करेंगे ये हमने इस साल का दिखाया है

वो अब पाकिस्तान में हमें नहीं नज़र आते अगर हम फॉरेन प्लेयर्स के कॉन्टेक्स्ट में बात करें इसकी क्या वजह आपको नजर आती है और आपको लगता है कि इस हवाले से शायद सर निगूँ होकर बोर्ड को भी सोचना चाहिए फ्रेंचाइज ओनर्स को भी सोचना चाहिए टाइम नहीं है अभी ये डिटेल इंटरव्यू डिटेल सर छोटा सा एक बात छोटा सा न, ये कि ना देखें इसके इसके बाद जो है ना सारे बिजनेसमैन मैन हैं सब जितने भी हैं बिजनेसमैन मैन हैं इसकी वैल्यू आखिरी जो पी एस एल टेन होगा उसमें बहुत ज़्यादा नहीं करना चाह रहे होंगे मुझे डाउट है कि उसके बाद जब बिड होगी ना तो अंडर वैल्यू खरीदेंगे तो तो, बिजनेस मैन बिजनेस मैन की तरह सोचता है इसलिए दो ये पी एस एल हल्के में जाएंगे इसलिए बाहर का प्लेयर भी नहीं आएगा तो कोई इतना इंटरेस्ट नहीं लेगा इसकी वैल्यू गिरेगी ग्यारहवा जब होगा ना बिड होगी तो उसको बोलेंगे यार इसकी तो वैल्यू नहीं है इतनी तो हम इस वैल्यू पर देते हैं कि मैं एक रफ अंदाजे के मुताबिक बता रहा दूँ कि एक टीम दो अरब से ऊपर की होगी जो पंद्रह करोड़ में खरीदी गई तो उस मार्केट को डीवेल्यू किया जाएगा तो मुझे डाउट है मैं कंफर्म नहीं कर रहा लेकिन ऐसा बिजनेसमैन जब सोचता है ना हम तो हैं नहीं बिल्कुल हम तो रोजमर्रा के काम करते हैं लेकिन हाँ। मुझे है कि यार शायद डी किया जा रहा है पीएसएल को तो शायद डी किया जा रहा है पी को, तो को। ख़त्म करता हूँ सर जरा उसे एक और बात मेरे जहन में आ आगी हुई है कि जब हम मार्केट के हवाले से बात करते हैं बिजनेस के हवाले से बात करते हैं और बी फ्रेंचाइज ओनर्स का भी आपस में एक ब्लॉक तो होगा वो कोशिश करते होंगे जैसे भी आपने जिस बात का अंदिया दिया है ये चीज़ मेरे ख्याल काफ़ी आया हो चुकी है वाजे भी हो रही है तो उसके लिए बोर्ड का क्या किरदार होना चाहिए टू तो मेक श्योर कि वो इंटरवीन करे और इस तरह की चीज हमारे ब्रांड के इसके बोर्ड किसको बोलते हैं कि बोर्ड देखिये बोर्ड होता है कि बोर्ड मेंबर्स जी जो बोर्ड मेंबर्स हैं उनका बोर्ड क्रिकेट से इतना लेना देना है नहीं ना और जो अपॉइंटमेंट होता है वो भी जैसा ब्रीफ करोगे वैसा चल रहे होते हैं वो डिटेल है यार ये ये दफा बात करेंगे है। सर जो सवाल मैंने आखिर में किया मैच सेट हट के उसकी जो वजह है मैं वो भी आपके सामने जरूर रखने जाता हूँ आप खुद फैसला करें एक हमारा ही ब्रांड है हम सब उसको ओन करते हैं हम उसमें जिद्दत लगाते हैं हम शिद्दत के साथ मैचेस देखने की कोशिश करते हैं पासिस मांगने की कोशिश करते हैं कि हम पहुंचे देखें पाकिस्तान के जहां जहां भी पाकिस्तान के खिलाड़ी क्रिकेट खेलते हैं उनको सपोर्ट करते हैं अंडरस्टैंड करते हैं या रीड करते हैं मेरा ख्याल है कि ये शायद सबको इसी सोच के साथ चलना चाहिए ताकि मैं इसको बेहतर ऐड करना चाहूंगा कि जिस तरह से कुछ ब्रांड ऐसे थे जिस पर पाकिस्तानी पब्लिक ने बैकआउट किया है हमारा काम नहीं है बोल लेकिन ये चीज़ देखनी चाहिए हुकूमत भी देखे थोड़ा सा पीसीबी भी देखे यार रिलेटेड किससे बोर्ड पब्लिक से ना पास बिल्कुल है है। लोग हैं अगर उनको अच्छा नहीं लग रहा तो उस पर रिव्यू करना चाहिए था true, ये मिस्टेक हुई है जिसका मतलब है कि फोर्टी परसेंट लोगों ने बॉयकआउट किया है बिल्कुल किया और हमेशा पब्लिक के साथ जाना चाहिए उन वो क्या चाह रहे हैं वही तो देखने आ रहे हैं कल वो ग्राउंड में नहीं आएंगे कराची में प्रॉब्लम हो रहा है ना आपको बिल्कुल हो रहा है तो उसके शोर मत मचाओ ना फिर वो सही कर रहे हैं कि वो बॉइकआउट किया हुआ किसी ने भी किया हुआ लेकिन अवाम क्या चाह रही है उसके साथ आपको चलना पड़ेगा yeah. जैसा भी ब्रांड है अगर वो नहीं चाह रहे कि वो हमारे लिए ठीक नहीं है फिर पैसा जरूरी नहीं है हमारी आवाम sure. हमारे लिए well exactly well. और आप लोगों की से ही शायद हम लोग आज तक यहाँ तक पहुँच पाए हैं एज बार थैंक यू सो मच राशि भाई फॉर बींग विद अस और uh, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ उसके बाद जितने भी हमारे देखने वाले पी टी वी स्पोर्ट्स के एविड फैंस हैं गेम ऑनर के एविड फैंस हैं राशि भाई के एविड फैंस हैं आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ दैट वी वर एबल टू पुल इट ऑफ एज वेल अंटिल नेक्स्ट टाइम लेडी जल में कल इनशाला आपसे मुलाकात होगी